शिवपुरी जिले का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन कल रात को चली तेज हवाएं नहीं सह पाया, जिससे रेलवे स्टेशन के बाहर लिखी आई लव यू शिवपुरी में से यू निकल गया और अंदर छज्जे की कुछ सीलिंग भी निकल गई। नवनिर्मित स्टेशन रात को तेज हवाएं और आंधी को नहीं सह पाया। एक और बड़ी बात जब पता चली, जब वहां कार्य कर रहे कर्मचारी ने कहा कि सीलिंग निकली नहीं थी, निकाली गई थी, जिससे हम विनायल लगा सकें। पर उस समय विनायल उपस्थित नहीं थी, तभी उस समय जीएम का निरीक्षण होना था। सीएसपी सीट लगाकर तत्काल उसको वहां लगा दिया। लेकिन बात की जाए तो बजट की व्यवस्था तो थी, पर उन्होंने वह विनायल उस समय क्यों नहीं मंगवाई जब जीएम नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए थे? क्या इसको रेलवे प्रशासन द्वारा जीएम की आंखों में धूल झोंकना नहीं कहा जाएगा? शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नरेंद्र राठौर। ये जो सीलिंग गिरी है, कैसे गिरी, कैसे क्या हुआ? गिरी नहीं है, निकाली गई है। उसको क्या है, विनाइल लगाना था हम लोगों को, और विनाइल उस टाइम पे थी नहीं, तो इस चक्कर में अर्जेंट ही है अपने को जीएम इंस्पेक्शन कराना था। उसके लिए अपन ने उसको एसी की सीट लगा के कंप्लीट कराया, ठीक है। अब जो विनाइल है अपनी आ गई है, तो उसको निकाल के प्लास्टर करके विनाइल लगाई जाएगी। तो उस समय इमरजेंसी में आपने, इमरजेंसी में हमने एसी की सीट का ये फॉल्स सीलिंग का उपयोग किया था। ये बेहुदा हरकत है, ये घटिया निर्माण है, ये संगठित लूट है अधिकारियों की, ठेकेदार की, ये ताकस का काम है। आप कल्पना कर सकते हैं कि तीन दिन पहले जिस रेलवे स्टेशन का शिवपुरी में उद्घाटन हुआ है, जरा सी मौसम की बेरुखी क्या हुई, वो सारी जो लाइट है वो नीचे गिर गई, वो शिवपुरी का जो लोगो है वो धड़ाम से नीचे गिर गया। तमाम घटिया निर्माण कार्य के आरोप लगातार लग रहे हैं। प्रेस के लोग और आम जनता के लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी तक यह जानकारी दूंगा, जीएम पश्चिम मध्य रेलवे को उच्च स्तरीय जांच के लिए लिखूंगा। इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।